लंबकोणीय ध्रुवीय प्रक्षेप के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन किया। आज हम पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के अंतर्गत ऑर्थोग्राफिक कंडीशन या लंबकोणीय ध्रुवीय स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास आरएफ दी हुई है 1:125 और 60 सेंटीमीटर, 125:60 और प्रक्षेप का जो निर्माण करना है उसमें अंतराल है 15 डिग्री। सबसे पहले प्रक्षेप निर्माण में हमें आर घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास निकालना है। उसके लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए भिन्न का हर, प्रदर्शक भिन्न का हर हमें लेना है, जो हमारे सामने है 635.60 पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है और जो आरएफ है उसका हर जो है 125 और 60 है। इनको जब कैलकुलेट किया तो आर आई 5.08 सेंटीमीटर। उस 5.08 सेंटीमीटर का एक लाइन हमने OA खींची और ओ को केंद्र मानते हुए हमने एक वृत्त का चाप बनाया। इस वृत्त के चाप में हमने ओ को केंद्र मानते हुए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री और अंत में 90 डिग्री। ओपी हमने एक लंब पहले से डाल लिया था और ओए रेखा को आधार मानते हुए हमने जो 15-15 के अंतराल पर इस तरह से कोण बनाए। ये कोण जो है वृत्त की परिधि पर ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी, ई और एफ स्थानों पर जाकर वृत्त के चाप को टच कर रहे हैं। इन वृत्त के चाप को जो है ई और एफ स्थान पर जो है स्पर्श कर रहे हैं। चूंकि हमने कहा है कि भी प्रकाश जो है ऑर्थोग्राफिक स्थिति में अनंत स्थिति पर होता है, केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में केंद्र में प्रकाश होता है, स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन में जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, यदि हम उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध का खमध्य प्रक्षेप बनाना चाहते हैं तो प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुव पर होगा और यदि दक्षिणी गोलार्ध का बनाना चाहते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के ध्रुव पर प्रकाश होगा और जो सरफेस है वो उनके विपरीत दिशा में होगा। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध का बनाना चाह रहे हैं तो सरफेस दक्षिणी गोलार्ध में होगा और उत्तरी गोलार्ध का बनाना चाह रहे हैं तो सरफेस उत्तरी गोलार्ध में होगा। ये हम उत्तरी गोलार्ध का जो लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप का निर्माण कर रहे हैं। सरफेस हमने जो है पी बिंदु जो है वृत्त का चाप है जो ओपी लंब को स्पर्श करता है, इस पी बिंदु को के सहारे एक स्पर्श रेखा हमने जो है आगे की ओर बढ़ाई है जो पी से जेड और आगे अनंत तक जा रही है स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा पर चूंकि प्रकाश अनंत से आ रहा है, ए जो पॉइंट है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, बी जो है 15 डिग्री अक्षांश रेखा को, सी 30 डिग्री अक्षांश को, डी 45 को, ई 60 को, एफ बिंदु जो है 75 डिग्री को और पी जो बिंदु है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दिखा रहा है इस वृत्त के चाप में। इन ए बी सी डी ई जो बिंदु है इनसे होते हुए प्रकाश जो है अनंत से आ रहा है वो इन डी ई और एफ बिंदुओं को छूते हुए हमारा जो पी से जेड तक का जो हमने सरफेस रखा है कागज जिसे हम कह रहे हैं उस कागज को जाकर ए से जाने वाले प्रकाश की किरण कागज पर जेड बिंदु पर टच कर रही है, बी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण यू बिंदु पर टच कर रही है, सी से जाने वाली टी पर टच कर रही है, डी से जाने वाली एस बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ई से जाने वाली आर बिंदु पर
और एफ से जाने वाली जो है क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है। पी क्यू आर एस टी यू और जेड जो हमारे स्पर्श बिंदु हैं जो प्रकाश की किरणों के टच के कारण से बने हैं, ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा से अन्य अक्षांश रेखाओं की दूरियां हैं जो हमारे सामने निकल के आ गई। ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा पी बिंदु, क्यू बिंदु जो है पी से क्यू दूरी जो है 75 डिग्री की दूरी, पी से आर डिग्री 60 डिग्री की दूरी, पी से एस दूरी 45 डिग्री की दूरी, पी से टी दूरी 30 डिग्री की दूरी और पी से यू दूरी 30 डिग्री की और पी से जेड जो दूरी है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी हमारे सामने निकल के आ गई। अब इन दूरियों के आधार पर हम जो है प्रक्षेप का निर्माण कर सकते हैं। प्रक्षेप निर्माण के लिए सबसे पहले हमें जो है ए से बी एक लाइन खींचनी है, इसको दो भागों में विभाजित करना है ए और बी, और ओ को केंद्र मानते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उत्तर और दक्षिण में जो है हमें लंब डालने हैं एक्स और वाई। ए बी लाइन हमने ली है, रेखा खींची, ओ को केंद्र मानते हुए एक्स लंब और वाई लंब हमने डाले हैं। अक्ष ये जो ओ बिंदु है, अब देखिए हमें अक्षांश रेखाएं खींचनी है। अक्षांश रेखाएं पी से क्यू दूरी चाप में लेना है। हमारे पास जो चाप वृत्त बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट, चाप में भरकर पी को केंद्र मानते हुए हम एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से, जो है हमने पी से क्यू दूरी का चाप लेकर एक वृत्त का निर्माण हमने किया है। इसी तरह से पी से क्यू दूरी का चाप लेकर पी को ही केंद्र मानते हुए एक वृत्त का निर्माण करेंगे। पी से एस दूरी का चाप लेकर पी को केंद्र मानते हुए वृत्त का निर्माण करेंगे। पी से टी दूरी लेकर पी को केंद्र मानते हुए वृत्त का निर्माण करेंगे और पी से यू दूरी लेकर एक वृत्त का निर्माण हमें करना है। इसी तरह से पी से जेड दूरी लेकर, पी बिंदु से जेड दूरी का चाप लेकर पी को केंद्र मानते हुए एक वृत्त का निर्माण हमें करना है। इस तरह से देखिए पी जो हमारा बिंदु है, पी की जगह हम लिख देंगे एन जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा को दिखा रहा है, क्यू पी से क्यू दूरी ये हमारा जो है 75 डिग्री अक्षांश रेखा को दिखा रहा है, पी से आर दूरी का हमने बनाया ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा को बता रहा है, पी से एस दूरी ये 45, 30 15 डिग्री और ये अंत में 0 डिग्री। ये हमारे Q, ये R, ये S, ये T,
Q, R, S, T, U और Z। ये जो है हमने क्रमशः P, Q, R, S, T, U और Z की दूरियां लेकर इस तरह से वृत्त बनाए। सारे ही वृत्त सकेंद्रीय वृत्त हैं जो P केंद्र से खींचे गए हैं। ये PN जो है 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 75 डिग्री अक्षांश रेखा, 60 डिग्री अक्षांश रेखा वृत्त, 45 डिग्री अक्षांश रेखा वृत्त, 30 डिग्री अक्षांश, 15 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश रेखा वृत्त को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अक्षांश रेखाएं हमने बना दी है। अब हमें देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है। देशांतर रेखाओं के निर्माण के लिए ये जो हमारे वृत्त दिए हुए हैं इनको 15-15 डिग्री के अंतराल पर हमें विभाजित, पंद्रह डिग्री के अंतराल पर इनको विभाजित करना है। सबसे नीचे हम जो है 0 डिग्री लिखेंगे देशांतर निर्माण में और 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री और अंत में जो है 180 डिग्री इधर लिखेंगे ईस्ट। इसी तरह से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री और अंत में 160 डिग्री जो है 180 डिग्री निकल के आएगा। इधर लिखेंगे वेस्ट। इस तरह से हमने जो है ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रक्षेप का निर्माण किया है। इसमें दो डायग्राम बनेंगे, एक छोटा डायग्राम जिसमें हम केवल वृत्त के चतुर्थ अंश का ही उपयोग कर रहे हैं, चाप का उपयोग कर रहे हैं और उसमें जो है 15-15 डिग्री के पर हमने कोण बनाए हैं। वो कोण जो है दूर से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उससे होकर गुजर रही है और सरफेस पर टकरा रही है और उससे जो है अक्षांशीय दूरियां वो निकल के आई। उन अक्षांश को हमने सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनाया। फिर उसके बाद में 15-15 के अंतराल पर जो है हमने देशांतर रेखाएं डाली है। ये ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन आपका तैयार है। इस तरह से हम जो है सेकेंड ईयर की जो कक्षा है उनमें 3 प्रक्षेपों में पोलर जेनिथल जो 3 प्रक्षेप है, लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, त्रिविम्ब ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में से अक्सर जो है एक प्रश्न प्रायोगिक परीक्षा में पूछा जाता है। इन 3 की आपको प्रैक्टिकल फाइल में शीटें बनानी है। धन्यवाद।